दोस्तों भी हाल ही के अंदर भारत ने अपने दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को अपनी नेवी के अंदर शामिल किया, जिसकी वजह से भारत के दुश्मन यानी कि चीन और पाकिस्तान की नींद तो उड़ी चुकी है। लेकिन इसी बीच भारत ने अपने दुश्मनों को एक और बड़ा झटका देते हुए अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की बात भी कह डाली है। जी हाँ, इस तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम होगा आईएनएस विशाल, जो कि संपूर्ण तरीके से स्वदेशी तरीके से भारत के अंदर ही बनाया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि 2028 तक इसे इंडियन नेवी के अंदर शामिल भी कर लिया जाएगा। और भारत इसको बनाने के काम में लग भी चुका, और माना यह जा रहा है कि भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि आईएनएस विशाल आईएनएस विक्रांत से और आईएनएस विक्रमादित्य से भी बड़ा होगा, क्योंकि अभी के समय आईएनएस विक्रांत का वजन लगभग 45,000 टन है, लेकिन आईएनएस विशाल वजन लगभग 65,000 टन होगा, जिस पर एक समय 50 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को खड़ा किया जाएगा। अगर बात की जाए इसकी स्पीड की, तो आईएनएस विशाल की स्पीड होगी 52 किलोमीटर प्रति घंटे की, और ग्लोबली पूरी दुनिया में कहीं भी ऑपरेट कर सकेगा। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महंगा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। वैसे आप में से कौन कौन इसे देखने के लिए एक्साइटेड है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।